अल्पसंख्यकों को विशेष महत्व देते हुए प्रत्येक परिवार तक विकास की किरण पहुंचानी है। राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत होने के साथ साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित होगी। झारखंड को देश के विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों के साथ लेकर चलना होगा और राष्ट्र एवं राज्यों को सबसे ऊपर रखते हुए सभी को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। झारखंड में कानून का राज स्थापित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत एक युवा राष्ट्र है क्योंकि यहाँ 65% से अधिक आबादी युवाओं की है। झारखंड भी अपने गठन और जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर एक युवा राज्य है। यहाँ के युवाओं का सामने बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है। हमारी सरकार पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर व्याप्त रिक्तियों को जल्द से जल्द भरेगी, युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। महिला शक्ति झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है। राज्य की अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनका कौशल विकास कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। महिलाओं के स्वावलंबन के साथ उनके सम्मान और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना भी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। सरकार आदिवासियों की आबादी और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ट्राइबल शो प्लान तैयारी करेगी। इसके साथ ही विनिर्माण की प्राथमिकता देने के बदले आदिवासियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जाएगा। आदिवासियों की स्वशासन परंपरा को आने वाले दिनों में और मजबूत किया जाएगा। सीएनटी और एसपीटी एक्ट को कड़ाई से बहाल करते हुए बोनों से जुड़े कानूनों को आदिवासी हितों के अनुरूप बनाया जाएगा। जल, जंगल और जमीन झारखंड की पहचान है। कृषि और बोन आधारित अर्थव्यवस्था जहां के निवासियों के जीवों का जीविका उपार्जन का मूलभूत आधार है। किसानों और खेतीहर मजदूर की जीवन में 20 खुशहाली आए, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। किसानों को मुख्य फसल से के साथ साथ उगाई जाने वाली सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लेम्स और पेस को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाकर गरीब किसानों की कृषि संयंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। किसानों को प्रखंड स्तर पर कृषि प्रशिक्षण दिया जाएगा। मनरेगा के तहत मानव दिवस को बढ़ाकर गैर कृषि समय में रोजगार की कमी को दूर किया जाएगा। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही वनों के संरक्षण को भी महत्व दिया जाएगा। वनों के उत्पाद और उस पर आधारित अर्थव्यवस्था को भी समुचित रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकता होगी। हर गांव टॉयलेटों पेयजल की उपलब्धता हो, ग्रामीणों का पेयजल के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हर खेत के लिए सिंचाई का जल उपलब्ध हो सके, इसके लिए पुराने तालाबों और आहारों को चिन्हित करते हुए उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। शिक्षा ही हमारे सर्वांगीण विकास का माध्यम है। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में गुणवत्ता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सरकारी विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की गुणवत्ता से बेहतर बनाया जाएगा। कंप्यूटर सहित आधुनिक शिक्षण पद्धति सरकारी विद्यालयों में शिक्षण का आधार रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर जोर रहेगा। स्वास्थ्य सुविधा सबके लिए सुलभ हो, इसके लिए सर्वप्रथम गांव में दवाओं एवं चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। जिला स्तर के अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। एम्बुलेंस एवं ममता वाहन की सुविधा का विस्तार कर इसे सर्वसुलभ बनाया जाएगा। लोगों को राज्य में ही आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य
प्रक्षेत्रों में विशिष्ट चिकित्सा हेतु आधारभूत संरचना का विकास एवं कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी।